नमस्कार खिलाड़ा स्पोर्ट अपडेट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। आपको कल के हुए मैच के बारे में अगर बता दूं तो कल का मुकाबला जो कि सीएसके और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में खेला गया था, ये मुकाबला अगर एक बार देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए बहुत टफ मुकाबला था, क्योंकि दोनों टीमों को इस मुकाबले को जीतना ही जीतना था। लेकिन अब कल के मुकाबले को देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जैसे अंदाज से वापसी की है, पिछले दो मुकाबले को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर लगातार हार के आ रहे थे, लेकिन कल के मुकाबले को जिस अंदाज से जीती है उस हिसाब से लग रहा है कि अब हो सकता है आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर क्वालीफाई करते हुए नजर आए। और वहीं अगर हम बता दें सीएसके की तरफ से, तो सीएसके का पूरा पत्ता साफ हो चुका है मुंबई इंडियंस की तरफ, अब वो क्वालीफाई करने के उनके कोई भी चांस नहीं है। अगर वो कल का मुकाबला जीतती सीएसके की टीम तो हो सकता है कल का चांस बनता। अगर हम कल के मुकाबले की बात कर ले तो टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग ने बॉलिंग करने का फैसला लिया था, उसे जिसके जवाब में आरसीबी की टीम ने अगर हम बताएं तो 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए थे। कल के मुकाबले में एक बार फिर से विराट और हाफ डुप्लेसिस के बीच में बेहतरीन फॉर्म साझेदारी होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि बड़ी पारी नहीं खेल पाए विराट कोहली, उन्होंने 33 गेंदों पर सिर्फ 30 रन की पारी खेली। वहीं अगर हाफ डुप्लेसिस की बताएं तो हाफ डुप्लेसिस भी कल सेट होकर आउट हो गए, उन्होंने भी 22 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली। अगर हम बताते तो दिनेश कार्तिक कला के नीचे से बेहतरीन पारी खेल गए, उन्होंने 17 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली। रजत पाटीदार ने भी 15 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली। और वहीं लोमरोर जो उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली, 27 गेंदों में 42 रन की पारी खेली। कल अगर हम बताते सीएसके की तरफ से तो थिकचना ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे, थिकचना ने जो 4 ओवर में 27 देकर 3 विकेट लिए थे। और वहीं मोइन अली ने भी 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए थे। प्रिटोरियस ने 3 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए थे। ये था पूरा मामला कल का सीएसके और आरसीबी के बीच में। अगर हम सीएसके की बैटिंग की बात कर ले तो कल एक बार फिर से बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे, उनके बीच में जिस अंदाज से साझेदारी चल रही थी, 6 ओवर में कम से कम 51-52 रन की पारी खेल दिए थे पावर प्ले में बिना विकेट खोए, इस अंदाज में लग रहा था कि सीएसके की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी। मगर दोनों खिलाड़ी के आउट होते ही और मोइन अली के थोड़े से रन बनाने के बाद पूरी टीम धराशायी हो गई 160 रन पे और इस मुकाबले को गवा दिया सीएसके की टीम ने। और आरसीबी ने 13 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। कल के मुकाबले में बताया तो ऋतुराज ने 23 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। वहीं डेविड कॉनवे दो मैचों में लगातार फॉर्म में दिखाई दिए थे, पिछले मैच में भी फॉर्म में दिखाई दिए थे, इस मैच में भी फॉर्म में दिखाई दिए थे, उन्होंने 37 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली थी। वहीं मोइन अली ने भी थोड़ी सी अच्छी पारी खेली थी, 27 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली थी। अगर हम बता दें तो आरसीबी की तरफ से मैन ऑफ द मैच हर्षल पटेल रहे थे, उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए थे जिसमें 3 विकेट लिए थे। और वहीं मैक्सवेल 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए थे। वहीं सरंगा 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिए थे। हेजलूट 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिए थे। वहीं शहबाज अहमद ने भी 3 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिए थे। कल हेजलूट ने जबरदस्त बॉलिंग की थी, उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिया था, हालांकि उनको विकेट कम मिला, लेकिन उन्हीं की बॉलिंग के दम पर अगर एक बार कहा जाए तो कहीं ना कहीं आरसीबी ने इस मुकाबले में अपने जीत को बना पाया है। अगर आज का मुकाबला बताते हैं, आज का मुकाबला जो कि दिल्ली कैपिटल और हैदराबाद के बीच में खेला जा रहा है, इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो आज भी दोनों के बीच में उसी तरह मुकाबला है जैसा कल का मुकाबला था। आज भी दिल्ली कैपिटल को मैच जीतना पड़ेगा, रॉयल चैलेंजर सनराइजर हैदराबाद को भी किसी न किसी हाल में मैच जीतना होगा। अगर आज का मुकाबला सनराइजर हैदराबाद हारती है तो कहीं ना कहीं ये आरसीबी के लिए फायदेमंद होगा। तो अब देखने वाली बात होती है आज का मुकाबला कौन जीता है। फटाफट आप नीचे कमेंट करके बताइए आज का मुकाबला कौन जीतेगा। और ऐसे ढेर सारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल खेला टाइम स्पोर्ट अपडेट को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।